पटियाला दे विच 19 अक्तूबर की सवेर न 5:30 बजे बलबीर सिंह चहल नाम का एक शख्स जिहड़ा वह अपने संत नगर इलाका 22 नंबर फाटक के कोल उत्थों सैर करन लई निकलता। 67 साल उन्हां दी उम्र आ। जदों घर के लागे एक पार्क के कोल पहुँचता तो कुछ गुंडे उन्होंने कोल आते हैं, तेज़ धार हथियारों नाल जिहड़ा उन्हां दा कतल कर देंदे आ, जिस तों बाद पूरे इलाके दे विच सनसनी फैल जाती है कि आखिर माजरा की है। 67 साल के बंदे दे उत्ते क्यों हमला किया गया, वह तो पैदल से ना, उन्होंने कोई गड्डी सी ना उन्होंने कोल जिहड़ा कोई उस वेले महंगा समान से जिन्हों लुट्टन की जिहड़ी है वह कोशिश की गई होवे। मामला जो पुलिस को शक्की लगा तो उन्होंने इस बाबत जिहड़ा तफ्तीश डूंघाई नाल शुरू कर दी। मौके पर जिहड़ा फोरेंसिक टीम पहुंची, पुलिस के वड्डे अधिकारी भी पहुँच गए, क्योंकि मामला समझ नहीं आ रहा था कि ना तो जिहड़े बलबीर सिंह चहल जिहड़े बैंक ऑफ बड़ौदा तो बैंक मैनेजर रिटायर हुए थे उन्होंने कोई गड्डी है ना, उन्होंने कोल जिहड़ा कोई गोल्ड ऑर्नामेंट्स पाए हुए हैं ना, उन्होंने कोई महंगे मोबाइल है। दरअसल ये मामला की है, पुलिस ने जो डूंघाई नाल इस मामले की जाँच की तो यह सामने आया कि 2005 दे विच बलबीर सिंह चहल का विआह जिहड़ा दूसरा विआह होया सी, उन्हां दी जिहड़े पहला विआह सीगा उत्ते उन्हां दा डिवोर्स हो गया सी, उत्तों उन्हां दे दो लड़कियां जिहड़ियां इस वेले विदेश च रहिंदियां अपनी माँ दे नाल। 2005 दे विच बलबीर सिंह दा विआह जिहड़ा हरप्रीत कौर नाम की एक औरत नाल होया, जिस तों बाद बलबीर सिंह दे घर फिर दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का ते एक लड़की। दस्या ये जा रहा है कि हरप्रीत कौर जिहड़ी उन्हां दी सैकेंड वाइफ सी उहदे गुरतेज सिंह गोरी नाम का एक शख्स आ उहदे नाल जिहड़ा गैर समाजिक रिश्ते बन गए। वो एक जिम च जाते थे, उत्थे वो मिलते सी, उत्थे उन्होंने जिहड़े आ वो इलीगल इलिसिट रिलेशन जिहड़े आ स्थापित हो गए, जिस तों बाद हरप्रीत कौर ते गुरतेज सिंह गुरी जिहड़ा वा इन्हां नूं लगा कि जिहड़ा बलबीर सिंह चहल आ जिहड़ा हुणे बजुर्ग है, नाल दी नाल इहदे कोल प्रॉपर्टी बहुत है, इहदे कोल इंश्योरेंस का पैसा बहुत है, इहदे कोल जिहड़े एसेट्स बहुत आ, क्यों ना इहनूं राह चों हटा दिता जाए, तो इस सारे पैसे दे उत्ते इस सारी जायदाद दे उत्ते कब्जा कर लिया जाए। उन्होंने एक प्लैन बनाया जिस तहत उन्होंने 19 तरीक सवेरे जिहड़ा वो बलबीर सिंह का मर्डर प्लैन कर लिया। इस मर्डर के विच गुरतेज सिंह गुरी का साथ दिता कुछ बेरोजगार नौजवानों ने। गुरतेज सिंह गुरी ने पटियाला के पिंड शादीपुर तो जिहड़ा 3 लड़के हायर किए, अजय अर्श नाम के जिहड़े लड़के आ उन्होंने हायर किया गया, तो उन्होंने कहा गया कि तुहानू कुछ पैसे दे देंगे तुसीं इह जिहड़ा काम है कर दो। उन्होंने लड़कियां ने पहला तो कई दिन जिहड़ा बलबीर सिंह की रेकी की कि बलबीर सिंह अपने घर जिहड़ा संत नगर चों किन्ने बजे निकलता, किन्ने बजे वो पार्क च पहुँचता, किन्ने बजे वो वापस जाता, उस वेले जिहड़ा इस रोड के उत्ते ट्रैफिक किन्ना हुंदा, किन्ना ट्रैफिक हुंदा, कौन कौन उन्हूं पार्क के विच मिलता जदों सैर करते हैं, किन्ना किन्ना दे नाल वो गल्लां बातां करता। जदों ये सारी रेकी कर ली गई तो 19 तरीक सवेर नूं उन्होंने जिहड़ा बलबीर सिंह चहल जिहड़े बैंक तों रिटायर सीगे उन्हां दा कतल कर दिता गया। पुलिस ने यह मामला जदों सुलझाया, क्योंकि बलबीर सिंह के जिहड़े बाकी रिश्तेदार आ उन्होंने यही दस्या कि एक वधिया आदमी सी, इहदे किसे दे नाल भी जिहड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी, हाँ इन्हां दा डिवोर्स होया सी, पर हुण इन्हां दी जिहड़ी पहली पत्नी आ उहदा विदेश कैनेडा च रहिंदी आ, उन्हां दीआं 2 लड़कियां सी, इन्हां दा जिहड़ा म्यूचुअली डिवोर्स हो गया सी, उस तों बाद जो लैण देण सी उह कर लिता गया, उस तों बाद जिहड़ा हरप्रीत कौर नाल इन्हां दी दूजी शादी हुई है। जदों फिर पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस किए हरप्रीत कौर दे तां उत्ते गुरतेज गुरी दीआं जिहड़ियां कॉल्स सीगियां वो सामने आईया, जदों तफ्तीश की गई तो फिर सारा मामला खुल गया, जिदे विच हरप्रीत कौर जी की सैकेंड मैरिज हुई सी इन्हां नाल बलबीर सिंह हुणां नाल, उन्होंने अपना जिहड़ा जुर्म कबूल लिया, जिस तों बाद फिर पुलिस ने जिहड़ा ये सारा मामला मीडिया सामने रखिया कि किस तरह जिहड़ा पैसे दे लालच विच एक जिहड़ी वाइफ आ उन्हें अपने घर वाले नूं जिहदे नाल उह रह रही सी, जित्तों उहदे 2 बच्चे भी सी, बलबीर सिंह दे दूसरे विआह चों एक बेटा ते एक बेटी भी है, बावजूद इसदे उन्हें जिहड़ा गुरतेज गुरी नाल सदा जिंदगी जीवन का जिहड़ा वो प्लैन बना लिया। हालांकि इत्थे दसणयोग यह है कि गुरतेज सिंह गुरी जिहड़ा ये भी जिहड़ा मैरिड है और इहदा एक बेटा 2018 दे विच उहदी भी मैरिज हो चुकी है, यानी कि गुरतेज सिंह गुरी भी जिहड़ा ये भी तकरीबन 60 साल की उम्र का आदमी है और जिहड़ी हरप्रीत कौर है इहदी उम्र हैगी 37 साल। खैर इस सब दे विच तुसीं देखो पैसे दे लालच करके जिहड़ा एक पत्नी ने जिन्हें लावां लईयां होणगियां जदों रिश्ता कराया गया होगा सारी गलबात दसी गई होगी कि यह बंदा बैंक दे विच मैनेजर है, इहदा पहला डिवोर्स हो चुका, उस तों बाद तुहाडे नाल दुबारा विआह हो रहा, पर बावजूद इस दे उस औरत ने जिहड़ा वह लालच किया, लालच क्यों किया, क्योंकि उहदे जिहड़े इलीगल रिलेशन जिहड़े आ वह गुरतेज सिंह गुरी दे नाल स्थापित हो गए। फिर उन्होंने उही किया जो तकरीबन हुंदा ही है हर केस दे विच हुंदा, पता नहीं लोगों को इदां क्यों लगता कि
बंदे नू मार देन नाल या उन्हूं खत्म कर देन नाल जिहड़ा साडा प्यार है वह परवान चढ़ जाएगा। अगर नहीं बन रही बार बार ये गल्लां आउंदियां ने कि डिवोर्स किया जा सकता, वैसा तो तुहाडे दो बच्चे आ, इलीगल रिलेशन जिहड़ा वह बनाउण दी लोड़ ही नहीं सी। जदों तुसीं वैल सैटल्ड हो तां तुहानूं इदां दे कम्मां दे विच पैणा ही नहीं सी चाहीदा। पर फिर भी हरप्रीत कौर ने जिहड़ा क्योंकि वह जिम च मिलते सीगे गुरतेज गुरी और हरप्रीत कौर उत्थे इन्हां दोनों दे इलीगल रिलेशन बन गए। बाद चो इन्हां नूं लगा कि जिहड़ा बलबीर सिंह है ये हुण राह दे विच रोड़ा बनूगा, बेहतर है कि इन्हूं राह तों हटा दिता जाए। हुण बलबीर सिंह नूं इन्हां ने अपने वल्लों राह तों तां हटा दिता पर पुलिस ने इन्हां नूं काबू कर लिया। हुण इन्हां दे उत्ते जिहड़े चार्जिज फ्रेम होणगे, मर्डर दे चार्जिज लगणगे, साजिश करन दे चार्जिज लगणगे, इह कित्थे कित्थे जमानतां लैंदे फिरणगे, की करदे फिरणगे, खैर पर नहीं समझते जदों दिमाग दे उत्ते एक आज़ादी का भूत सवार हो जाए कि हाँ मैनू परसनल आज़ादी चाहिए है। हर बंदा चाहता कि मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग ना जीनी चाहवा, पर उदा मतलब यह नहीं हुंदा कि जिहड़ा नाल दा बंदा उन्हू असी खत्म कर दईए, उन्हू असी रस्ते तो हटा दईए। उहदे लई उन्हू एक्सक्यूज़ किया जा सकता, उन्हू बैठ के सारी गल दसी जा सकती है कि मैं होर तेरे नाल नहीं चल सकता। हो सकता हरप्रीत नूं यह भी लगा होवे कि यह बंदा पहला ही डिवोर्स दा, जे इहनूं मैं भी दूसरी बार डिवोर्स दा किया तां किते इह मैनूं बदखल ना कर दे, क्योंकि मसला तां प्रॉपर्टी दा सी। बलबीर सिंह चहल कोल प्रॉपर्टी काफ़ी सीगी और नाल दी नाल उन्हां कोल इंश्योरेंसिस दा बहुत पैसा सीगा। इसे करके इन्हां ने जिहड़ा वह अननैचुरल वारदात प्लैन कर दित्ती कि ठीक है मर्डर लगेगा, इंश्योरेंस दा पैसा भी मिल जाएगा और नाल दी नाल जिहड़ी प्रॉपर्टी है क्योंकि वह वाइफ है लीगली उहदे नाम हो जाएगी तो जिंदगी जिहड़ी है बहुत वधिया लंघेगी। खैर हुण इन्हां दी जिंदगी तां कोर्ट कचहरियां तां जेल च लंघेगी, पर अगर लाइफ दे विच कदी अजिहा मोड़ आ जाए जिथे सानू लगे कि साड़ी जिहड़ी आ अपने पार्टनर नाल नहीं निभ रही तां सानू किसे काउंसलर दी सलाह लैनी चाहीदी है, अपने किसे दोस्त मित्र नाल गल करनी चाहीदी है, बजाए इस दे कि असी जिहड़ा एक स्टैप फॉरवर्ड करके एक स्टैप अगे जा के जिहड़ा किसे नाल रिलेशन बना लीए जिहड़े मुड़ के सानू वो रिलेशन आ वो जेल दीआं सलाखां च लै जाण। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।